अजय एवं महान योद्धा श्रीमान बाजीराव पेशवे की 284वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन संपन्न। पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के आरंभ में अतिथियों एवं प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों ने बाजीराव पेशवा की समाधि पर नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं मुख्य वक्ता महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे। अध्यक्षता सुदर्शन न्यूज चैनल के CMD सुरेश चौहान ने की। विशेष अतिथि के रूप में विधायक सचिन बिरला, रामेश्वर भाड़िया, राधेश्याम भाड़िया उपस्थित थे। मुख्य वक्ता स्वामी जी ने राष्ट्र की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा में महान सेनापति बाजीराव पेशवा के योगदान और संघर्ष पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली एवं अभिभूत हैं कि भारतवर्ष के महापराक्रमी और अजय योद्धा बाजीराव पेशवा जी की समाधि स्थल पर उनके पराक्रम का स्मरण करने एकत्रित हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बाजीराव पेशवा और भारत के महान योद्धा की जीवनी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में अग्रणी महान सेनानियों को याद रख सकें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजीराव की समाधि स्थल के सर्वांगीण विकास के लिए जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट करेंगे। सुदर्शन न्यूज चैनल के CMD चौहान के ने अपने उद्बोधन में कहा कि अंग्रेजों ने बाजीराव पेशवा के पराक्रम को छुपाने के लिए बहुत प्रयास किया। पहले रावेर खेड़ी से व्यापार मार्ग गुजरता था और यह चुंगी नाका हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने आवागमन का मार्ग दूसरी ओर से निकाल दिया। चौहान ने कहा कि आज हमें अपनी महान विरासत को सहेजना है। चौहान ने बाजीराव पेशवा की समाधि के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार आर्थिक योगदान देने का आह्वान किया। विधायक सचिन बिरला ने महान योद्धा बाजीराव पेशवा के कृतित्व का भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि बाजीराव पेशवा ने अपने जीवन काल के 41 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय हासिल की। बाजीराव पेशवा का रण कौशल अद्भुत और व्यूहरचना अभेद्य थी। बाजीराव पेशवा का नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में शामिल किया जाता है। समारोह के अंत में बाजीराव भोज बेसन रोटी का वितरण किया गया। समारोह में प्रतिष्ठान संरक्षक श्री पाद अवधूत स्वामी, अध्यक्ष लक्ष्मण राव इंगले, उपाध्यक्ष मनोज बिरला, सचिव विवेक भटोरे, सहसचिव नागेंद्र मुछाला, प्रचार प्रमुख परसराम चौहान, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, जितेंद्र सुराणा, डॉक्टर कमल नामदेव, शिखर पंवार, रितेश पाटीदार, गंभीर मालविया, महेश शम्मी, आमगा महेश बसवाल, अपूर्व भोगले, मोहित दुबे, नरेंद्र गांव शिंदे, कमल बिरला, प्रभात उपाध्याय, रशीद जोया, गोविंद बिरला सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। समारोह का संचालन कुणाल सोनी ने किया।